एक, एक, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको से लेके क्लास ट्वेल्थ तक हर कोर्स मिल जाएगा यू के सीबीएसई बोर्ड फॉर स्टेट बोर्ड यू के एन टी एस यू के ओलम्पियान आस फोर एनसीआर बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्स में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे मतलब ये तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ये

कि क्या होता है तो जॉइंट्स देखेंगे जॉइंट्स क्या होता है बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जॉइंट्स क्या होता है तो बेसिकली अगर मैं कहूं इस वीडियो का हमारा मोटिव क्या है तो इस वीडियो का हमारा मोटिव है कि हम बेसिक समझ जाए कि जॉइंट्स क्या होते हैं ठीक है टेबल एलियसिस के बारे में सीख जाए प्रैक्टिकली टेबल एलियस सीख किस तरीके से को नाम जाते हैं और इवन हम अपना जो डेटा बेस है पूरा वो कर लें, जिसमें हम आगे सीखने वाले है। तो वो सब चीजें आज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा क्लास ट्वेल्थ का फिलहाल एनसीआरटी का चैप्टर चल रहा है language, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं जॉइंट्स की

ताकि आप उसको डिटेल में समझ सके ठीक है तो डेटा बेस भी देख के चलेगा आई वुड सजेस्ट यू ठीक है बाकी अभी फिलहाल हम जरा आगे बढ़े शुरुआत करें तो शुरुआत करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए कि जैसे आप लोग को पता है कि हमारी दो कंपनीज है इज मैग्नेट एंड पाबली ठीक है तो मैग्नेट ब्रेन क्या है मैग्नेट ब्रेन एक एडिटेड प्लेटफॉर्म है पाबली क्या है पाबली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है ठीक है और हमें क्या होता है कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है तो अगर आप स, स, सोचते हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आप वो स्किल्ड डेवलपर हैं अगर आप लोग एक roller coaster ride पे जाने के लिए तैयार हैं तो आप हमारे अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं और apply करना बहुत आसान है बस क्या करना है आपको अपना डिटेल्ड रेज्यूमे सेंड कर देना है मेल कर देना है इस ई मेल पे विच इज मैगनेट ब्रेन भोपाल एट द यहां पर आपको बस क्या करना है आपका डिटेल्ड रेज्यूमे सेंड कर देना है मेल कर देना है बट उसमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा पहला कि जो आपका रेज्यूमे है वो डिटेल्ड होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट दूसरा जो सब्जेक्ट है उसमें आपको ये डालना है एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके अपना नाम जो भी आपका नाम है ठीक है और आपका हम रेज्यूमे देखेंगे और अगर आपका जो स्किल सेट है वो हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो डेफिनेटली वी वुड कॉन्टेक्ट यू ठीक है तो अगर आप लोग रेडी हैं सो गो एंड अप्लाई हेयर ठीक है so और इस वीडियो में आज हम क्या शुरुआत करने वाले हैं ज्वाइंस जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं देखते हैं कि ज्वाइंट क्या है ठीक है so, सो ज्वाइंट क्या है पहले इंट्रोडक्शन ले लें ज्वाइन क्या है तो ज्वाइन क्या है एक क्वेरी है सो अंट इज अ क्वेरी दैट कम्बाइन रोज फ्रॉम टू और मोर

ठीक है द फंक्शन ऑफ कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इज कॉल्ड ज्वाइनिंग अगर आपको कंबाइन करना है डेटा को फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या ज्वाइनिंग इस फंक्शन को क्या कहते हैं ज्वाइनिंग कहते हैं सीक्वल कैन प्रोड्यूस डेटा फ्रॉम सेवरल रिलेटेड टेबल्स बाय परफॉर्मिंग ईदर अ फिजिकल और वर्चुअल ज्वाइन ऑफ द टेबल ठीक है अब कैसे होता है वो सब चीजें हम देखेंगे बहुत सारे टाइप के होते हैं तो वो सब चीजें हम आगे देखेंगे ऑल तो लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि टाइप ऑफ ज्वाइंट हम आगे क्या क्या देखने वाले तो जो सबसे पहला है उसके बहुत सारे नाम है जैसे कि वो कार्टिशन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस ज्वाइन कार्टीशन ज्वाइन फुल ज्वाइन फुल आउटर ज्वाइन या सिर्फ आउटर ज्वाइन इस नाम से जाना जाता है although outer join कम चांस है बट बाकी नामों से यार ये पूरा जाना जाता है ठीक है तो ये क्या है ये टाइप का जॉइन है जो हम आगे देखने वाले हैं फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है नेचुरल जॉइन फिर आता है इक्वी जॉइन फिर आता है انر जॉइन अब इन तीनों में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है तो वो डिफरेंस भी हम इसमें समझेंगे फिर नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन फिर है राइट right जॉइन फिर है सेल्फ जॉइन ठीक है तो inner join sorry natural join equi join sorry natural join equi join inner join left join right join और एक्चुअली इसको लेफ्ट आउटर जॉइन या राइट आउटर जॉइन भी कहते हैं ठीक है और सेल्फ जॉइन हम देखने वाले हैं ठीक है तो ये सब कुछ टाइप्स ऑफ जॉइंस हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे ठीक है तो ये सब जॉइंस में देखेंगे है ना अब इन सब जॉइंस में मैं आगे यूज करूंगा एक चीज का विच इज नोन है स्टेबल एलियस तो जरा तो टेबल एलियस समझ लेते हैं क्या होता है तो व्हाट टेबल एलियस सो टेबल एलियस एज अ टेम्पररी लेबल गिवन अलोंग विद द टेबल नेम इन द फ्रॉम टेबल एलियस क्या है बेसिकली तो टेबल एलियस एक टेम्पररी लेबल है एक नाम है टेम्पररी जो आप देते हो किसको एक टेबल को फ्रॉम क्लॉस में टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टाइपिंग रिक्वायर्ड इन वी कैन यूज एलियस फॉर टेबल नेम्स इन द सेलेक्ट एंड वेयर अगर आपको आपको बहुत ज्यादा लिखने से बचना है तो मत सिंपल से, से इसका, आपको क्या करना है देखो तो तरीका क्या होता है कि आप लिख सकते हो सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट एलियस डॉट और जो भी आपको जिस भी टेबल मतलब जैसे सपोज देखो अब ये चीज समझ में नहीं आएगी थोड़ा सा फॉर्मेट आपको मुझे समझाना पड़ेगा जैसे मैंने कहा यार सेलेक्ट सेलेक्ट हाँ, मैंने कहा ठीक है अब ये जो सेलेक्ट कर रहा हूं मैं कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूं किसी टेबल से सेलेक्ट कर होगा तो मैं कर रहा हूं फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेबल जो मेरी सबसे पहले टेबल है वो है टेबल वन क्या है टेबल का ही नाम है टेबल वन सपोज टेबल वन टेबल का नाम है तो मैंने लिखा फ्रॉम टेबल का नाम और इसके बाद मैं इसका नाम दे सकता हूं एलिस दे सकता हूं जैसे मैंने दे दिया टीबी वन फिर मैंने एक और टेबल ली तो मैं डाल सकता हूं टेबल टू टेबल टू इसको मैंने नाम दे दिया टीबी टू ठीक है अब आगे कुछ भी वेयर वगैरह मैं डाल सकता हूं, मैं डाल सकता हूं इसमें कोई नहीं है। बट अब सिचुएशन क्या है तो एक तो टेबल एलियस देने का तरीका क्या है बस आपको फ्रॉम क्लॉज में टेबल के जैसे हमने उसका नाम लिख देना है जो वो एलियस बन जाएगा दूसरा आप इस एलियस का यूज कर सकते हो सिलेक्ट या वेयर में भी कैसे सिंपल से जो भी आपने एलियस दिया है टेबल को वो लिखना है टीबी वन डॉट और फिर जो भी आप इसमें से क्वेरी करना चाहते हो जैसे सपोज मैं इसमें से काउंट स्टार परफॉर्म करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं काउंट स्टार

ज्वाइंस uh, से करना क्या चाह रहे हैं वट इज आर पर्पज तो देखो सिंपल सा पर हमारा ये है कि जैसे सपोज ये कोई भी एक टेबल है टेबल वन ये कोई भी एक टेबल है टेबल टू है ना यूजुअली हम इन टेबल्स को आगे देखेंगे कि हम इन टेबल्स को इस तरीके से आ, आ, एग शेप में भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ओवल शेप में ठीक है बेसिकली पर्पज ये है कि मैं ये वेन डायग्राम के तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है जो सेट हमें पढ़ रखे हैं एलेवेंथ क्लास में उस तरीके से ठीक है तो मेरा जो मेन पर्पज है वो ये पर्पज है कि अगर दो कॉलम्स हैं जिसमें एक कॉलम ऐसा है जो क्या कर रहा है वैल्यूज शेयर कर रहा है क्या कर रहा है कुछ वैल्यूज शेयर कर रहा है या नहीं भी कर रहा है डेंट मैटर तो इस कॉलम के अबाउट इनको ज्वाइन करना कैसे वर्टिकली ठीक है अब जैसे सपोज यहाँ पे हो सकता है कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हो तो यहाँ पे सपोज क्या है कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज अगेन मेरे पास एग्जिस्ट करती हैं तो वो मेरा टेबल वन में आ जाएगा जो जो भी यहां पे वैल्यूज रोज हैं ऐसे यहां पे जो वैल्यूज है वो यहां पे रोज आ जाएंगी अब इनको आपस में क्रॉस करना ठीक है हो सकता है कार्टिशन प्रोडक्ट कर रहे हो या कुछ कंडीशन लगा के आप क्रॉस कर रहे हो तो ज्वाइन कर रहे हो वो डजेंट मैटर बट ये ज्वाइन परफॉर्म करना ही बेसिकली ज्वाइन है ठीक है जो विद टाइम जब हम अलग अलग टाइप के जॉइंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं इन टेबल्स को वर्टिकली ज्वाइन करना चाह रहे हैं कुछ इस तरीके से ठीक है तो टेबल वन और टेबल टू को जो हम ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं हम चाह रहे हैं कि टेबल ऐसे वर्टिकली ज्वाइन हो जाए अब जैसे ही एक बार ये वर्टिकली ज्वाइन हो गए एक बार ये टेबल्स वर्टिकली हो गए तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो अलग अलग कंडीशन लगा सकते हो जो भी आप कंडीशन लगाना चाहो अब जैसे सपोज एक बार ज्वाइन हो गए तो मुझे कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम फाइव जो भी फैच करना है फैच कर सकता हूं मैं अब यहाँ पे अगर आप देखो तो दो कॉलम थ्री दिख रहे हैं यस ऐसी प्रॉब्लम भी आएगी तो इनको भी हैंडल करना सीखेंगे तो सिचुएशन ये है कि वर्टिकली इनको ज्वाइन कर दो ठीक है तो अब ये जो रोज है ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं ठीक है अब ये क्या है एक सिंगल टपल बन चुका है ये क्या एक सिंगल टपल बन चुका है ठीक है विद मल्टीपल कॉलम्स अब इसमें से जो भी आपको रिट्रीव करना है ये एक सिंगल टेबल बन चुकी है इसमें से जो भी आपको रिट्रीव करना है वो रिट्रीव कर लीजिए दैट्स इट दैट इज व्हाट वी वांट यूजिंग जॉइंट्स अब ये जॉइंट्स की जरूरत बेसिकली पड़ती क्यों है

को निकालना है बेसिकली तब ज्वाइन परफॉर्म किया जाता है जब आप मल्टीपल टेबल को आपस में ज्वाइन करना चाहते हो ठीक है जो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे तो फटाफट मैं आपको लेके चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूँ कि किस तरीके से आप ये ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हो ऑल दो अभी हम प्रैक्टिकली में ज्वाइन नहीं सीखेंगे फिलहाल हम क्या सीखेंगे सबसे पहले टेबल एलियस सीखेंगे फिर हम ये सीखेंगे कि किस क्या क्या टेबल हम बनाने वाले हैं फॉर फ्यूचर पर्पज फ्यूचर में जो वीडियोज आने वाली हैं जॉइंट्स पे उनको ऑपरेट करने के लिए जो हम प्रैक्टिकल वीडियोज बनाने वाले हैं वो हम आगे आने वाले सेशन में देखेंगे नेक्स्ट ठीक है तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर देम ठीक है फॉर नाउ फटाफट चलते हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे है ना तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के क्या करेंगे आ, पहले टेबल एलियस देखेंगे फिर डेटा बनाएंगे मतलब डेटा बेस बनाएंगे पूरा ठीक है तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ओके गाइस सो अब आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं देखने वाले हैं किस तरीके से हम एक टेबल को कोई भी नाम दे सकते हैं मतलब टेबल एलियस सीख रहे हैं हम इस वीडियो में चूज हो पड़ेगी तो आगे जॉइन जब हम लगाएंगे तो हमें टेबल एलियस बहुत हेल्प करने वाला है जब हम कंडीशन डालेंगे तो इसीलिए हम जॉइंस में आ, लगाने के लिए जो टेबल एलियस है वो सीख रहे हैं साइमल्टेनियसली आज की वीडियो में इसी में हम जो है आ, डेटा भी प्रिपेयर करेंगे टेबल्स भी प्रिपेयर करेंगे फॉर लर्निंग ज्वाइंट ठीक है तो सबसे पहले तो जरा हम देखते हैं आपके एलियस को ठीक है अब एलियस तो देख ही लीजिए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर, अगर आप चाहें तो यार पूरा जो भी मैं टेबल क्रिएट करवा रहा हूं फॉर योर ज्वाइंट्स वो भी पूरा देखिएगा रीज़न क्या है उसका उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको डेटा का पता रहेगा तो जो जॉइंट्स है वो और डिटेल में समझ पाएंगे समझ पाएंगे डेटा पे कैसे काम हुआ बट अगर, अगर आपको डेटा ही क्लियर नहीं रहेगा तो चीज़ें फंसी रहेंगी ठीक है बट इट्स ऑल अप टू यू आप देखना चाहे तो देखिए नहीं तो अप्रिप करके आगे नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ सकते हैं ठीक है बट आई वुड सजेस्ट कि यार हाँ आपको एग्जाम्पल्स पूरे जो टेबल क्रिएशन है वो देखना चाहिए फॉर नाउ चलिए सर्विसेज पे चलते हैं फटाफट सर्विसेज मैंने ओपन कर ली है माई सीक्वल पे चलेंगे है ना माई सीक्वल का अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया मैंने लेट इट स्टार्ट स्टार्ट हो गया चलेंगे वर्क बेंच सर्च करेंगे वर्क बेंच ओपन कर लेंगे वर्क बेंच ओपन हो गया है मेरा है ना लोकल इंसेंट से कनेक्ट करेंगे डालेंगे पासवर्ड है ना और मैंने कनेक्ट कर लिया है ये खुल गया मेरा और सबसे पहले इसमें बनाऊंगा मैं डेटा बेस सो बनाऊँगा क्रिएट डेटा बेस डी बी है ना तो क्रिएट डेटा बेस डी बी है ना और ओके okay, पहले क्रिएशन से पहले ओके फॉर अ मिनट लेट्स वेट अ मिनट हम जो टेबल क्रिएशन का काम है वो बाद में करेंगे पहले हम क्या करने वाले पहले पहले तो यार एल एस देने से लेते हैं। और एलियस के लिए मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि क्यों मेरे पास सकीला एग्जिस्ट करता है सकीला में बहुत सारे टेबल एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम नाम दे सकते हैं ठीक है तो जैसे कि सपोज मैं क्या करता हूँ पेमेंट टेबल को नाम देता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं सबसे पहले तो यूज़ कर लूँगा सकीला को है ना यूज सकीला है ना और फिर मैं क्या करूंगा सेलेक्ट अब मैं कुछ भी क्वेरी जैसे भी नॉर्मल जैसी क्वेरी लिखता हूँ वैसे मैं क्वेरी लिख सकता हूँ कुछ भी जैसे स्टार लिख सकता हूँ ठीक है uh, कुछ कॉलम्स लिख कर सकता हूँ तो जो जो है वो कर सकता हूँ ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ठीक है एज इट इज टेबल का नाम पेमेंट है ना पेमेंट ठीक है अन दा बाकी कंडीशन वगैरह भी डाल सकते हो बट फॉर नाउ भी मैं इसको ऐसेज छोड़ देता हूँ ये आपका रिटर्न होके आ गया ना वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि रादर देन आप इसको इस तरीके से लिखें आप क्या कर सकते हो आप हर बार जब भी एक टेबल क्रिएट करो उसमें जो टेबल है जिससे भी आप सॉरी टेबल से क्वेरी करो तो जो भी टेबल आप क्रिएट करो उसको आप नाम दे सकते हो तो स्पेस इस करके पी दे सकते हो या पी ए दे सकते हो पी वाई दे सकते हो सब काम करेगा तो जैसे पी दे देख लेते हैं तो सपोज़ मैंने इसको वैसे पी ए नाम दे दिया तो इस टेबल का अब वही सेम क्वेरी हुई है बस अब क्या हो गया कि क्वेरी टेबल का नाम पी पड़ चुका है ठीक है फॉर दिस क्वेरी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो पी में खुशी नहीं हुई तो आप जो चाहे वो दे दो यार पी ए दे दो कोई दिक्कत नहीं है परफेक्टली काम कर जाएगा ठीक है पी ए में अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं पी वाई दे दो ठीक है पी वाई दे दो ठीक है पी वाई अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं पी वाई टी एम दे दो तो जो आपकी इच्छा हो यार वो आप दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अच्छा एक चीज़ और एक्सप्लोर करते हैं क्या मैं एज इट इज़ नाम लिख सकता हूँ क्या टेबल का एज इट इज़ नाम लिख सकता हूँ पेमेंट है ना जो पेमेंट पहले था वही पेमेंट फिर से है दोनों सेम नाम लिख दिए क्या लिख सकता हूँ यस मैं ये भी लिख सकता हूँ तो पेमेंट पेमेंट नाम भी लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं डबल नाम भी लिख सकता ठीक है तो इस तरीके से क्या होगा भाई इस तरीके से आप जो है अपने आ, टेबल को नाम दे सकते हैं एलियस दे सकते हैं और इसमें आप जो चाहे वो करो यार कोई दिक्कत नहीं है कोई मना थोड़ी कर रहा है आप इसमें सेलेक्ट स्टार के बजाय कुछ स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट कर लो ठीक है उस समय में भी आपका काम करेगा जिसमें अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है तो भी परफेक्टली काम करेगा ठीक है मैं कोई अमाउंट के बजाय मैं कोई काम करता हूँ मैं ज़रा कोई एग्रीगेट फंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ जैसे काउंट स्टार तो लगा हुआ है काउंट लगा देता हूँ इसमें बस मैं ठीक है तो काउंट स्टार फ्रॉम पेमेंट पी ये भी परफेक्टली क्वेरी हो जाएगा ठीक है इवन इसकी जगह मैं वेयर कंडीशन भी डाल सकता हूँ वांट ठीक है तो मैं सपोज अमाउंट कर लेता हूँ अमाउंट ठीक है वेयर वेयर अमाउंट इज व्हाट ग्रेटर देन फाइव डॉलर सपोज तो फाइव से ज्यादा होने चाहिए अमाउंट तो भी परफेक्टली क्वेरी हो जाएगा मतलब सब काम जो भी अभी तक हमने सीखे सब कर सकते हो टेबल को एलिस देके बट इसकी जरूरत कहां पड़ेगी जब टेबल पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे जो हमारे जॉइंस हैं तो हमारा बेसिकली जो एलियस हमने अभी सीखा इसको हम यूज करेंगे आगे जॉइंस में और उस जॉइंस को पढ़ने के लिए ही हम अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं किसकी डेटाबेस की तो हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट क्रिएट करते हैं डेटाबेस तो ये अभी फिलहाल अगर मैं टेबल एलियस वाला पार्ट कहूँ उसका प्रैक्टिकल कहूँ तो ये टेबल एलियस वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है ठीक है अब इसके बाद जो नेक्स्ट बचा है वो ये है कि अब हम डेटा क्रिएट करने वाले हैं उसमें टेबल्स क्रिएट करेंगे फिलहाल तीन टेबल्स क्रिएट करेंगे जिसपे हम ज्वाइंट परफॉर्म कर रहे होंगे आगे ठीक है तो अगर आपको देखना है तो मेरे ख्याल मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको देखना चाहिए वीडियो पूरा ठीक है पूरा टेबल किस तरीके से क्रिएट किया गया क्या क्या वैल्यूज डाली गई क्या क्या डेटा टाइप्स है वो सब पता होना चाहिए बिकॉज आगे जब आप जॉइंस परफॉर्म कर रहे होंगे टेबल की अच्छी नॉलेज होगी तो जॉइंट्स के समय भी टेबल की अच्छी नॉलेज रहेगी आपको तो वो जॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे तो अगर आपको जॉइंट्स अच्छे से समझने हैं तो टेबल क्रिएशन पूरा देखना चाहिए बट आई एम सेइंग इट इज़ नॉट कंपलसरी ठीक है ये हेल्प करेगा अच्छे से समझने में बट ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप समझ नहीं पाओगे जॉइंट्स में हम इस चीज़ को और डिटेल में एक्सप्लोर करें

और इसमें मैं सपोज़ क्या डालूंगा इसमें मैं डालूंगा कॉल वन और सबसे पहला जो कॉलम बनाऊंगा यार मैं बना दूंगा सपोज इंटेजर वैल्यू का ठीक है इंट वैल्यू का ठीक है तो सबसे पहले मैं बना दूंगा इंट वैल्यू का फिर बनाऊंगा कॉल टू और इसको मैं बना दूंगा कैर वैल्यू का जिसमें आपके दो कैरेक्टर्स रहने वाले हैं ठीक है एंड दैट सेट दो दो कॉलम्स का बनाएंगे यार बहुत है दो दो कॉलम्स तो बहुत हो गए फिर मैं बनाऊंगा एक और टेबल क्रिएट टेबल वाली है क्या यहाँ पेट करे जिसमें वाला हूँ उसमें एक कॉलम कॉमन रखूंगा विच इज कॉलम वन कॉलम वन कॉमन रखूंगा बाकी मैं कॉलम का नाम चेंज कर दूंगा कॉलम वन कॉमन रखूंगा ठीक है और जो नेक्स्ट कॉलम है उसका नाम मैं चेंज कर दूंगा उसका नाम मैं सपोज रख दूंगा टू देन टू मैं टू हंड्रेड रख दूंगा यहां पे मैं इसको डेटा टाइप दे दूंगा अगेन इंट ठीक है बट इसको मैं डेटा टाइप क्या देने वाला हूँ उसको मैं डेटा टाइप देने वाला हूँ डेट ठीक है और यहाँ नहीं लगाया मैंने इस वजह से एरर आ रहा था और साइमल्टेनियसली मैं एक और क्रिएट करूंगा टेबल क्रिएट टेबल टी बी थ्री जिसमें मैं दोनों ही कॉलम डिफरेंट डिफरेंट नाम के लूंगा बट मैं यहाँ पे एक स्पेशल चीज करने वाला हूँ दैट इज वॉट कि हाँ मैं दोनों अलग अलग कॉलम लूंगा बस हाँ बट ये जो वैल्यूज है ना कॉलम वन और कॉलम वन की वो सेम रहने वाले यहाँ बस उसका नाम चेंज हो जाएगा तो मैं डाल दूंगा कॉलम वन थाउजेंड या फाइव हंड्रेड है ना है इंट ही और यहाँ है कॉलम सिक्स हंड्रेड है डेट ही सेम डेटा है बिल्कुल सेम डेटा है बस क्या है आपका जो नाम है वो चेंज है बिकॉज इस चीज की हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो ये टेबल में बेसिकली तीन क्रिएट कर दूंगा फॉर नाउ ठीक है और फिर इसमें करेंगे हम वैल्यूज इंसर्ट ठीक है क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं यहाँ पे तो वैल्यूज करेंगे इंसर्ट तो इसको क्रिएट कर दे मैंने तीन टेबल्स लेट मी जस्ट शो यू दैट हैं रिफ्रेश कर लेते अपन तीन टेबल आ गए राइट right? अब क्या करेंगे इसमें करेंगे वैल्यूज इंसर्ट तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा इंसर्ट इन इंसर्ट इन इंसर्ट अच्छा सॉरी टेबल आता ही नहीं है इंसर्ट इन टू टीबी वन वैल्यूज

कंटिन्यूड अच्छा दोनों टेबल्स में जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम होनी चाहिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन टेन टेन वैल्यूज दे दूंगा मैं ठीक है वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे है ना यहाँ जाएगा बी बी यहाँ जाएगा सी सी यहाँ जाएगा डी डी ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी एच एच आई आई ठीक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई शो करेंगे ये हो जाएगा क्लॉस ठीक है लेट मी जस्ट इंसर्ट दिस लेट्स सी व्हाट इज़ दिस यस परफेक्टली वर्कड तो टेबल वन मेरा बन चुका है कुछ प्रॉब्लम हो गई अच्छी अच्छे ओके ये प्रॉब्लम हो रही है मैं कहूँ इसमें कुछ दिक्कत हो रही है मैंने क्या कर दिया hmm. गलती से ये मैंने ए ए ए ए ए, ए, ए कंटिन्यू कर दिया लेट मी डिलीट दिस ड्रॉप टेबल या फिर ड्रॉप क्यों कर रहा हूँ टेबल को छोड़ 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 ड्रॉप क्यों कर रहा हूँ उससे पहले मैं क्या कर दूंगा ट्रंकेट टेबल टी बी वन है ना ट्रंक के टेबल टी वन और टी वन में चले अपन अब खाली हो चुका है ना री करेंगे बट अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ जी जी एच एच आई आई जी जी ठीक e, है है ना तो ए टू जी आ चुका है राइट अब ना नेक्स्ट डू इज आंसर्ड इंसर्ट वैल्यूज इन योर वॉट इन योर टेबल इन योर टेबल टू एज है ना insert into tb2 values hmm. now what would be the values table 2 hai kaisa bhai so this is table 2 integer or date hai na integer or date डाल देते भाई integer or date integer हम डालने वाले हैं भाई random ठीक है मतलब ज़रूरी नहीं वो match करे तो हम डालने वाले काम करते हैं ऑल्टरनेट डाल देते ठीक है तो वन कॉमा ठीक है वन कॉमा डेट क्या डाल दे यार तो डेट काम करते हैं। पूरा ही आपका ईयर चेंज कर देते हैं बस टू थाउजेंड से लेके ठीक है और बाकी सेम कर देते हैं ठीक है विच इज़ वन एंड वन बाकी सेम कर देते हैं ठीक है और इसको ज़रा मैं कॉपी कर लूँ एंड इट दो हो गया तीन हो गया चार पाँच छ सात दस राइट right? अब ऑल्टरनेटिवली मैं चेंज करने वाला हूँ ये हो जाएगा टू है ना ये हो जाएगा थ्री ये हो जाएगा फोर ये हो जाएगा फाइव और ये हो जाएंगे आपके एलेवन टवेल्व थर्टीन फोटीन हाँ फिफ्टीन ठीक है दिस वुड बी टू थाउजेंड वन दिस वुड टू थाउजेंड टू this this would be 2003, this would be be दिस वुड थाउजेंड थ्री दिस वु थाउजेंड perfectly इनसेट हो गए let me sh show you that so 1, 2, 3, 4, 5 आ गया 11, 12, 13, 14, 15 आ गया अलग से दिख रहा है

अब मैं इसको कर दूंगा ओ शिट ओके टोटल प्रॉब्लम ऑल द मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है बट मैंने गलती से उसको बंद कर दिया ठीक है नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम चलो तो ये पूरा क्रिएट हो गया है है ना ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे फिर बस ये कॉलम तो वन कॉलम टू है है ना फिर ये कॉलम तो वन कॉलम टू हंड्रेड है वन अलेवन टू है ना कुछ कॉलम कॉमन है कुछ वैल्यूज़ कॉमन है बाकी डेट्स आपकी सारी अलग अलग है ठीक है फिर टेबल थ्री टेबल थ्री बिल्कुल सेम वैल्यूज़ हैं बस क्या है आपका कॉलम का नाम चेंज है 500 600 है इसमें एक कॉलम नाम सेम दिख रहा है जिस इज़ वन टू हंड्रेड और ये क्या है आपका वन टू अच्छा एक चीज़ और आप मैं तीनों टेबल को एक साथ भी ओपन कर सकता हूँ इफ आई वॉन्ट मैं क्या करूँगा बस इसको पिन कर दूँगा पिन ठीक है मैं इसको ओपन करूँगा इसको पिन कर दूँगा इसको ओपन करूँगा ओके सॉरी 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 मिस्टेक मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ मैं बार बार पूरे उसमें ओपन करता चला जा रहा हूँ ठीक है तो वो हर बार नया 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 ओपन हो जा रहा है उसमें तो वो हो ही जा रहा है ठीक है मैं क्या करूँगा यहाँ पर डाल दूंगा सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार फ्राम टी बी वन ठीक है इसको कॉपी करूँगा पेस्ट पेस्ट एंड यू वेरी वेल नो अगर मैं तीनों को रन करूंगा देन वाट विल हैपन आपकी टेबल थ्री रन हो जाएगी बट टेबल वन टेबल टू आपकी यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगी ठीक है तो एक तो तरीका यही है कि आप इस तरीके से रन कर सकते हो सारी क्वेरीज तो सारे ओपन हो जाएंगे बट अगर सपोज आप एक एक करके रन करते हो सपोज इसको मैं रन करूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ सपोज इन केस टेबल टू को सपोज रन करता हूँ देन वाट है कि जो टेबल वन वाला था पार्ट वो चला जाता है फिर टेबल थ्री रन करता हूँ तो टेबल थ्री भी चला जाता है अब इसको रोकने का तरीका क्या भाई टेबल वन रन करिए इस पर राइट क्लिक करिए और इसको क्या कर दीजिए पिन कर दीजिए तो जब आप टेबल टू रन करोगे तो टेबल वन कहीं नहीं जाएगा टेबल टू आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेरी आ जाएगी फिर इसको भी पिन कर दीजिए तो नेक्स्ट जब आप रन करेंगे तो नेक्स्ट रन हो जाएगा इसको भी पिन कर सकते हो आप या आप क्लोज कर सकते हो टैब्स को जब आप चाहो तो इस तरीके से आपका टेबल क्रिएशन हो चुका है अब जो हम आगे देखने वाले हैं वो हम इसी इन्हीं टेबल्स पे जो हमने अभी फिलहाल दोनों टेब तीनों टेबल्स बनाए हैं इन इनपे हम सारे ज्वाइंट देखने वाले हैं। जो भी हमने अभी लिस्ट किए हैं तो जो लिस्ट किए हैं जॉइंट वो सब हम ज्वाइंट इस पर्टिकुलर आ, या आगे जो है इन आ, इनके ऊपर हम स्टडी करने वाले आगे ठीक है थीके? तो आगे इनके ऊपर पूरा चीज़ें हम देखेंगे इन्हीं टेबल्स पर ऑपरेट कर रहे होंगे ठीक है चलो फॉर नाउ अच्छा एक चीज और यार एक चीज मुझे एक काम और करना पड़ेगा यार एक टेबल में मुझे कॉलम और ऐड करना पड़ेगा या मैं एक टेबल और बना देता हूँ टेबल फोर नाम से जिसमें दो नहीं तीन वैल्यूज़ रहेंगी ठीक है क्योंकि वो भी मुझे जरूरत पड़ने वाली आगे ठीक है मुझे एक और टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें मैं सेल्फ ज्वाइन आपको दिखा सकूँ तो मैं क्या करूँगा मैं एक ऐसे बना देता हूँ जिसमें कि आप सेल्फ ज्वाइन देख सके ठीक है तो जरा एक बार देख लेते हैं तो जैसे कि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है जब मैं बात करता हूँ एम्प्लॉय आई और सुपरवाइजर आई के नाम से तो इस तरीके से टेबल बना दो चलो ठीक है तो क्रिएट टेबल टी बी फोर टी बी फोर के नाम से और सेल्फ ज्वाइन बनाने के हिसाब से हम इस टेबल को बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं टी सॉरी सबसे पहले कर दूंगा मैं ई एम पी आई डी ई एम पी आई डी ठीक है वच इस अगेन गट ओनली है ना फिर मैं बना दूंगा सपोज पोस्ट की पोस्ट क्या है ठीक है पोस्ट जो हो जाएगा सपोज कैर फॉर नाउ न्यर बना देता हूँ मैं एक लेटर का कैर बना दूंगा और फिर मैं नेक्स्ट बना दूंगा क्या सुपरवाइजर आई डी मतलब एस यू पी सुपरवाइजर आई डी विच इज अगेन गोना बी एंट अगेन गोना बी एंट ठीक है और इसको ऐसे ही रहने दूंगा और इसको बंद कर दूंगा ये क्रिएट हो जाएगा टेबल मेरा है ना लेट मी रिफ्रेश दिस तो ये आ गया अब मैं करूँगा क्या इसमें इंसर्ट करूँगा तो इंसर्ट इन टू इन टू टी बी फोर तो टी बी फोर में इंसर्ट करना है मुझे क्या वैल्यूज तो वैल्यूज इंसर्ट करनी है मुझे टी बी फोर में और क्या क्या वैल्यूज में इंसर्ट करने वाला तो देखिए तो मैं डालूंगा फर्स्ट है सपोज ई एम पी आई डी ठीक है और इसकी पोस्ट है सपोज ए इसकी पोस्ट है क्या ए और इसका सुपरवाइजर क्या है सपोज़ इसका सुपरवाइजर नो इस है आपका जो है क्या है ये बॉस है सपोज ठीक है इसका कोई सुपरवाइजर नहीं है अब बेसिकली वन के अंदर तीन लोग आ जाते हैं तो तीन लोग मैं आगे बना दूंगा ठीक है जिनकी सुपर मतलब जिनकी आईडी क्या रहेगी इनकी वन टू थ्री रहेगी वन टू थ्री ठीक है और फोर और इनकी पोस्ट सपोज सबकी सेम है बी बी है ना और बी ओनली इन सबके सुपरवाइजर या सुपरवाइजर कौन है वन है इसका भी सुपरवाइजर वन है इसका भी सुपरवाइजर वन है और इसका भी सुपरवाइजर वन ही है ठीक है अब इंडिविजुअली हर किसी के अंदर एक सुपरवाइजर आने वाला है ठीक है तो मैं सपोज कहता हूँ दो दो लोग आ रहे हैं हर उसके अंदर वन वन के अंदर या फिर एक काम करता हूँ मैं सिर्फ दो ही बनाता हूँ है ना दो बनाता हूँ बाकी फिर सबके अंदर सुपरवाइजर आ रहे हैं दो हैं और फिर दो के अंदर दो दो लोग और आ जा रहे हैं ठीक है तो दो के अंदर दो लोग और आ रहे हैं तो दो के अंदर दो लोग कैसे आएंगे तो इस तरीके से कुछ आएंगे भाई ठीक है तो ये दो और फिर ये दो आ गए ठीक है तो बेसिकली क्या है टू के अंदर अब ये एम्प्लॉय आई डी फाइव सिक्स ही है ना ये एम्प्लॉय आई डी फाइव सॉरी फाइव सिक्स ही हैं ठीक है थीके? ये एम्प्लॉय आई डी फाइव सिक्स ही हैं बट इनके सुपरवाइज़र कौन कौन है तो इसका सुपरवाइज़र सपोज़ टू है और इसका भी सुपरवाइजर टू ही है है ना अब सपोज़ इसका जो रोल है वो ये है कि यार ये सी करता है और ये भी सी करता है है ना सपोज ये सपोज़ डी रोल पे है ये डी रोल पे है है ना सपोज या फिर है हाँ चलो ठीक है और ये है सेवेंथ और ये है एट्थ सपोज़ है ना और इसका सुपरवाइजर बट क्या है इसका सुपरवाइजर थ्री है इसका सुपरवाइजर भी थ्री है अब इनके अंदर एक एक बंदा बनाता हूँ सपोज फाइव के अंदर एक है और एट के अंदर एक है तो फाइव के अंदर एक है और एट के अंदर एक है और इनके रोल क्या है ई एफ है ई e है और ये क्या है ये एफ है ठीक है और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका नाइन्थ और ये हो जाएगा टेंथ ठीक है तो इस तरीके से हमने बना दिया क्लियर अपडेट आपको क्लियर समझ में आ चुका है जब हम सीखेंगे इसको सुपरवाइज ये सेल्फ आ, सेल्फ ज्वाइन को तब समझ में आ जाएगा आपको ये चीज़ फिलहाल अगर मैं टेबल फोर आपको रन करके देखा तो इस तरीके से कुछ आपका टेबल फोर बन रहा है ठीक है एम्प्लॉय आई है सुपरवाइजर आई है और बीच में पोस्ट आपके दे रखी है क्या क्या ठीक है एंड आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी है ना अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग ठीक है और ओ oh, शिट अभी मैं बंद कर देता ठीक है चलो सेव कर देंगे इसको अपन है ना चलो तो आई होप यहाँ तक आपको टेबल क्रिएशन आ चुका है टेबल एलियस देना आ चुका है ठीक है आगे अभी हम इस टेबल एलियस को मतलब एक तरीके से हमने जॉइन की तैयारी पूरी कर ली है हम एलियस सीख के हो चुके हैं रेडी और हमने डेटा अपना पूरा बना लिया है टू लर्न जॉइंट्स तो जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं उसमें हम देख रहे होंगे कुछ जॉइंट्स के बारे में डिटेल्स ठीक है तो जस्ट स्टेट्यून विद मी फॉर दैट ओके फॉर नाउ इसको मैं सेव करता हूँ है ना इस वीडियो को मैं सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पर मतलब इस सपोज सीक्वल फाइल को जिसका नाम क्या हो जाएगा फिलहाल फॉर नाउ इसका नाम मैं रख देता हूँ सपोज एलियस टेबल एलियस नाम देता हूँ ठीक है टेबल एलियस एंड डेटा ठीक है एंड डेटा टेबल एलियस एंड डेटा ठीक है और इसको कर दूंगा मैं बंद इसको कर दूंगा बंद इसको बंद कर दूंगा और अपना जो सर्वर है वो क्लोज कर लूँगा ताकि सर्विसेज़ पे चल के ताकि मेरा अननेसेसरी जो है जो डेटा है वो वेस्ट ना हो ठीक है तो ये मैंने क्या कर दिया अपना सर्वर ऑफ कर दिया ठीक है सो तो ये आपका हो गया अभी फिलहाल फॉर ना प्रैक्टिकल ओवर ठीक है बट अभी स्लाइड्स खत्म नहीं हुई है चलते अपने स्लाइड्स पर वीडियो करते हैं कंप्लीट ठीक है और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा मुझसे टू लर्न जॉइंट तो धीरे धीरे करके हम एक ज्वाइन उठाएंगे और सारी ज्वाइंट्स को कंप्लीट करेंगे ठीक है सो अगर आपको ज्वाइंस सीखना है तो स्टेन विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर नाउ लेट्स मूव टू द स्लाइड्स ओके ओके सो आई होप आपको थियरिटिकल और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आता ही है क्या डेटा डेटा क्या डेटा मतलब डेटा के अंदर क्या क्या टेबल हमारी होने वाली है उसमें क्या के क्या कॉलम होने वाले क्या क्या डेटा टाइप्स है उनकी वो सब चीज़ें आपको समझ में गई होंगी ठीक है ऑल दो आई नो अभी फिलहाल हमने कुछ भी ज्वाइन रिलेटेड नहीं सीखा बट वो हम आगे आने वाली

यू नीड टू स्क्रॉल डाउन सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस क्लिक ऑन वॉच नाउ तो कंप्यूटर साइंस की सारी क्या वीडियोस खुल जाएंगे आपके पास ठीक है चैप्टर वाइज किसी भी चैप्टर पर क्लिक कर सकते हो चैप्टर की सारी वीडियो खुल जाएंगे किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते वो वीडियो प्ले हो जाएगी इसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन पास इसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो और यहां पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता है जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा इधर उधर की वीडियो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे यहां फोकस होकर सकते हो यहां आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा वीलियड सीबीएस एनसीआर बुक

एंड फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि भाई दो चैप्टर से दो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है नो कंप्लीट कोर्स सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है right? so guys, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छी लग रही है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट्स के साथ जुड़े रहिए बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडी गार्डन से क्लास ट्वेल्व तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोर्स में हम आपके साथ हैं सो वे एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे राइट right? मैं आपसे मिलता तो हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय थैंक यू वेरी मच गौरव भैया आ, आ जाइए